morning, grade one. How are you? I hope you people are doing good. So today we have to go for our social studies. हमने पहले topic पढ़ा था on page number 13. That was our school. और school से मुतालिक हमने पढ़ा था. हमने अपने school का name बताया था. सब कुछ बताया था. Today we'll go for rest of the pages. जो बाकी pages बच गए थे वो हम आज उनको रीड आउट करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले जाएंगे. इसमें हम सीख रहे हैं कि व्हाट डू वी डू इन स्कूल. ठीक है, हमने जो लास्ट था आपका पेज, उस पर हमने पढ़ा कि हम स्कूल में लिखना सीखते हैं, हम स्कूल में पढ़ना सीखते हैं. तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या है, हम क्या क्या चीज़ें स्कूल में सीखते हैं. ठीक है, सो लुक एट दिस वन. We learn about nature and science. अब नेचर क्या होता है? जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें होती हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, उनके बारे में हम लर्न करते हैं और साइंस के बारे में लर्न करते हैं. यानी उनको किस तरह से हम एग्जामिन करते हैं, उनके बारे में किस तरह से जानते हैं, वो जो नॉलेज होता है ना, उसको हम साइंस कहते हैं. ठीक है, एंड देन We learn to make things. हम ये सीखते हैं कि चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं. जैसे आप आर्ट वर्क समटाइम करते हो ना स्कूल में, आर्ट एक्टिविटी होती है, तो आप क्या करते हो, कार्ड पेपर्स को डिफरेंट डिज़ाइंस में कट करते हो, एंड देन यू मेक थिंग्स आउट ऑफ दीज कार्ड पेपर्स और फॉर्मिक शीट और ग्लिटर शीट. ठीक है, देन देर आर मैनी पीपल इन स्कूल हु हेल्प अस. स्कूल में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं. आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से होते हैं लोग जो हमें स्कूल में हेल्प करते हैं? लाइक हमें स्कूल में प्रिंसिपल हेल्प करती हैं, हमें उनकी जो सेक्रेटरी होती हैं वो हेल्प करती हैं, एंड देन जो डायरेक्टर्स होते हैं स्कूल के वो हमें हेल्प आउट करते हैं, टीचर्स करती हैं, स्कूल में मेड होती हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं. तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें स्कूल में हेल्प आउट करते हैं. अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन है. द प्रिंसिपल लुक्स आफ्टर द स्कूल. जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल की स्कूल को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं. प्रिंसिपल जो है वो स्कूल की हर चीज़ के बारे में देखते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है, कौन सा पीरियड आपका कब स्टार्ट हो रहा है, और वो टाइमली स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और स्कूल में सब बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबली स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो प्रिंसिपल देखते हैं. एंड देन सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द स्कूल ऑफिस. अब जो सेक्रेटरी होती हैं प्रिंसिपल की, वो स्कूल को स्कूल के जो ऑफिस के मामलात होते हैं वो उनको देखती हैं कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 15. ठीक है, हियर वील गो फॉर द नेक्स्ट वन. इट्स प्रिंसिपल हेड मिस्ट्रेस. द हेड मिस्ट्रेस और हेड मास्टर टेक्स केयर ऑफ सेक्शंस ऑफ द स्कूल. अब ये जो है वो हेड मिस्ट्रेस हैं और ये हेड मास्टर हैं. तो ये देखते हैं कि जो सेक्शन डिफरेंट बने हुए हैं आपकी क्लासेस के, वो उनकी टेक केयर करते हैं. तो वो देखते हैं वहाँ के मामलात कि उनकी क्लासेस टाइम पे हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनकी स्टडी ठीक हो रही है या नहीं हो रही है. तो दे बोथ चेक ईच एंड एवरीथिंग. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. सी इट, द टीचर टीचेस अस इन द क्लास. अब नेक्स्ट कौन है जो हमें हेल्प करता है? वो ऑब्वियसली टीचर है. टीचर के बगैर तो कोई स्कूल हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उन्होंने तो हमें पढ़ाना होता है. ठीक है, और स्कूल हम जाते ही पढ़ने के लिए हैं स्पेशली, राइट? तो टीचर जो है वो शी हेल्प्स अस इन द क्लासरूम इन द स्कूल. वो हमें पढ़ाने में हमारी मदद करती हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द लाइब्रेरियन मैनेजर. स्कूल लाइब्रेरी, अब आपकी जो स्कूल लाइब्रेरी होती है उसको मैनेज करने के लिए जिससे आप बुक्स अपनी लेते हैं, इशू करवाते हैं, वो लाइब्रेरियन होती है. ठीक है, वो हमें बुक्स देती हैं और फिर हम टाइमली उनको रिटर्न करते हैं. गॉट इट? ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 16. अब हम उसमें देखते हैं, हियर इज कोच. द कोच इंस्ट्रक्ट्स फिजिकल एक्सरसाइज गेम्स एंड
स्पोर्ट्स, हमारी जो स्पोर्ट्स टी शर्ट होती हैं उनको कोच कहते हैं, और वो हमें हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं, लाइक आप अर्ली मॉर्निंग असम्बली में भी करते हो, आपकी गेम्स हैं और जो आपकी स्पोर्ट्स हैं वो उनमें हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज पियन। द पियन हेल्प्स द स्टाफ, ही कीप्स द क्लासरूम क्लीन। अब वो जो पियन होता है या जिसको वो ही इज जस्ट लाइक एन ऑफिस बॉय, तो वो स्टाफ को हेल्प करता है, लाइक उनको कभी कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो उनको मार्केट से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ही कीप्स द क्लासरूम क्लीन, और उनकी ड्यूटी क्या होती है कि उन्होंने क्लासरूम्स को वॉच करना होता है और क्लासरूम को नीट एंड क्लीन रखना होता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द स्कूल इज वॉचमैन, ठीक है। आप के गेट पे खड़े होते हैं एक अंकल, ही इज अ वॉचमैन। द वॉचमैन मेंटेन्स सिक्योरिटी ऑफ आर स्कूल, ही वेलकम्स अस टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आप भी जब आते हो तो आपके गार्ड अंकल होते हैं बाहर, वो आपको वेलकम करते हैं, आप उनको अच्छे से मिलते हो, शेकन करते हो और सलाम करते हो, ठीक है, और फिर आप अंदर स्कूल में दाखिल होते हो। तो वो हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं, यू नो, वो किसी को अंदर नहीं आने देते हैं जब तक वो पहचान नहीं लेते हैं, या वो स्कूल के अंदर से प्रिंसिपल से या हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस से परमिशन नहीं ले लेते हैं, उस वक्त तक कोई भी अंदर एंटर नहीं हो सकता। ये सब आपकी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ रीड दिस 3 पेजेस, आई होप यू पीपल कैन रीड देम इजीली। आप इन सब लोगों को स्कूल में मिलते हो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको पढ़ने में, इसको जल्दी से आप रीड आउट करो। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर मामा, और देन डू लेट अस नो कि आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।